मॉर्निंग में जा रहे हैं हम लोग अपने गांव। पल तो होता है सैड वाली, मायके से ससुराल की तरफ जा रही है, तो रोना तो आता है जब अपनी माँ। पिंडा नदी जो कि कुमाऊं से आती है और अलकनंदा नदी जो कि अलकापुरी बद्रीनाथ से आती है और यहाँ पर उनका संगम होता है। अभी कर्णप्रयाग में है, सेवा कर रहे हैं, एक महीना इन्हें हो चुका है। ससुराल से हम लोग निकल चुके हैं और चलो थोड़ा बहुत रास्ते में नाश्ता कर ही लेते हैं, तो हम लोग मंदिर के आगे नहीं जाएंगे। और बाघ के हाथ में देखो, हाथी का चित्र है भाई। आजकल बागेश्वर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, चारों तरफ तेज धूप लगा हुआ है, पूरा माहौल सुनसान हो रखा क्योंकि वाले टाइम में छुट्टियां भी पड़ी रहती हैं, तो तेज धूप के कारण हालत डाउन हो गई है। और साथ ही देखो भाई, पहाड़ी दुकान देखने को मिल सकता है जहाँ पर पुरानी पुरानी पहाड़ी चीजें हैं और आप अनेक प्रकार की चीजें यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये दुकान देखिए, मजा आ गया आज। मम्मी जी को फूलों से बहुत ज्यादा प्यार है, यहाँ पर फूल देख रही है मम्मी जी के लिए। और अभी रिया के लिए हम लोग ले जा रहे हैं छोटी सी चूड़ी, पापा जी के लिए एक ट्रैक सूट ले रखा है, दादी जी के लिए रसगुल्ला का डब्बा ले लिया है, वो किलो रसगुल्ले के डब्बे आ चुके हैं दादी जी के लिए। मेरी मम्मी जी के लिए भी यहाँ पर स्वेटर ले लिया गया है, धूप लगी हुई है तो थोड़ा बहुत जूस पी लेते हैं गन्ने का। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते भाई साहब। अभी मॉर्निंग में जा रहे हम लोग अपने गाँव। तो मम्मी जी से भी विदा कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत होता है, पल तो होता है सैड वाली, तो चलते हैं यार फटाफट। माहौल थोड़ा भी आ चुकी है और मैडम जी तो थोड़ा बहुत सैड हो रही है, और सैड होना भी पड़ता है यार। अब अपने मायके से ससुराल की तरफ जा रही है, तो रोना तो आता है जब अपनी माँ से बिछड़ जाए, क्यों अंकल जी? एक माँ और एक बेटी का यहाँ पर जो है एक संबंध, प्रेम वाला संबंध यहीं पर आपको देखने को मिल सकता है, जो भी आप देखा होगा आपने किस प्रकार से ना। तो ये देखो भाई, तो अभी हम लोग फटाफट जाएंगे कर्णपुरिया की तरफ। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चमोली, और चमोली से सीधा आपका आगे का रास्ता है कर्णपुरिया के लिए। चमोली से हम लोग निकल चुके हैं आगे, गोपेश्वर से कर्णप्रयाग की दूरी 120 किलोमीटर है, 3-3.5 घंटे का रास्ता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, एकदम हाईवे है। और ये वाले टाइम में बहुत सारे यात्रीगण आते जाते रहते हैं, तो आप लोगों को ड्राइव संभल कर करना है क्योंकि ये वाले सीजन में यात्रा खुली रहती है बद्रीनाथ की। तो अभी हम लोग कर्णप्रयाग में पहुँच चुके हैं और ये वाले गाड़ी में जाएंगे। ये जो गाड़ी कर्णप्रयाग से आपके बैजनाथ गरुड़ बागेश्वर होती है, तो इसी गाड़ी में हम लोग जाएंगे। कर्णप्रयाग से आपको अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ मिल जाएंगी, देवाल थराली के लिए भी गाड़ियाँ मिल जाएंगी और बागेश्वर के लिए भी यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं। मैडम जी को देखो भाई, मस्त अरे बैठ गया, इसको उल्टियाँ होने स्टार्ट हो गई थी आगे से ही। कर्णप्रयाग दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा शहर है। ये देखो भाई, बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ों में ही यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं। सामने जो ये नदी बह रही है, ये आपकी पिंडर नदी है जो कि कुमाऊं साइड से आती है। यहाँ से अभी बागेश्वर के लिए गाड़ियां मिल चुकी हैं। आगे हम लोगों ने गाड़ी बुकिंग करी हुई थी और पूरा पैसा जो मेरे ससुर जी हैं उन्होंने दिया था। कल रात उन्होंने गाड़ी वालों से बात कर ली थी कि हमें छोड़ दिया गया, तभी गंगोल गांव में ही गाड़ी आई हुई थी। कर्णप्रयाग एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा शहर है और यहाँ पर कर्ण भगवान जी ने तपस्या करी हुई थी। आदि पंचप्रयागों में से एक खूबसूरत सा प्रयाग, तीसरा प्रयाग ये माना जाता है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी जो कि कुमाऊं से आती है और साथ ही अलकनंदा नदी जो अलकापुरी से आती है, इन दोनों का संगम कर्णप्रयाग में होता है। एक विशालकाय नदी बनके ये आगे की तरफ जाती है। देखो भाई, साइड में आपको लोकल टैक्सियां मिल जाएंगी, आप लोग जहाँ जाना चाहते हैं आप लोग जा सकते हैं। पिंडर और अलकनंदा नदी का संगम दिखा रहा था, साथ में भी हमारे जो ताई जी लोग हैं, बड़ी मम्मी जी लोग हैं, ये हैं आपके राजकोट गुजरात से। हाँ, अच्छा गुजराती हैं। हाँ, अच्छा, अभी पानी चढ़ा रहे थे सूर्य भगवान को, और कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, स्वास्थ्य पानी। अच्छा, यात्रा में आए हैं? नहीं, सेवा करवा, सेवा करने। अच्छा, एक महीना हो गया? तो भाई यहाँ पर अभी कर्णप्रयाग में ही है, सेवा कर रहे हैं, एक महीना इन्हें हो चुका है। कर्णप्रयाग ही एक ऐसा जगह है जहाँ से केदारनाथ को अलग रोड कटती है और बद्रीनाथ को एक अलग रोड कटती है। थराली वाले रास्ते में, पूरा थराली और देवाल वाला रास्ता है, थराली और देवाल रास्ता है, यहाँ से आप लोग रूपकुंड ट्रैक कर सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं ग्वालदम ताल पे, यहाँ पे खत्म नाश्ता। अभी ग्वालदम ताल में हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग यहाँ से आए हुए थे, सोते सोते आ रहे हैं हम लोग, मतलब गाड़ी में सफर बहुत लंबा है। तो चलो जी, अभी मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था क्योंकि 4:30 बजे उठ गए थे मम्मी जी, तो बोल रहे थे नाश्ता बनाने के लिए, और हमने मना करा था, यहीं पर हाथ धो के फिर खाना खाते हैं। और हमेशा यहाँ पर मैं पराठे खाता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ के जो पराठे हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो आज फिर से हम लोग पराठे ही खाएंगे। तो ये भाई जी हैं, ये भाई जी हमेशा पराठे खिलाते हैं मुझे यहाँ पे।
हम लोग अंकल जी की गाड़ी में आ रहे हैं। अंकल जी की सुबह की प्रेस वाली गाड़ी है और हमारे मैडम जी ने तो खाए 10 पराठे तो जस्ट मजाक कर रहे, लेकिन बहुत अच्छे पराठे बनाते हैं। भाई जी पराठे लाजवाब बनाते हो। और सामने एक भाई दिख रहे हैं जो टेंट लगा के रह रहे हैं, और ये भाई जी हैं दक्षिण भारत से, अभी सुनने में आ रहा था। ठीक है भाई जी, हाँ मिलते हैं फिर। हाँ हाँ, और ऐसे इंस्टाग्राम आईडी किस नाम से? मेरा देवभूमि ब्लॉग्स है। तो अभी हम लोग मार्केट आ चुके हैं और भाई यहाँ पर तो इतनी ज्यादा तेज धूप लग रही है। मीना कितनी तेज धूप लग रही है? बहुत तेज। बहुत तेज ना, तभी जाके हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट करा। पूरी जल रही हूँ धूप में। अभी 2:30 बज गया है, 3 बजने वाला है। भाई सामने पहुँच गए, ये है गेट, और पहले बागनाथ जी का दर्शन करते हैं। तो अभी हम बागेश्वर मार्केट में और हमें पद्मदाग मिल गए हैं, जिससे हमें घर जाना है जिस गाड़ी से। तो कल हम लोग वाले गाड़ी में जाएंगे पद्मदाग के। पद्मदाग नमस्ते, कैसे हो रहे? बढ़िया। अरे हो रहे, कल जाओगे? नहीं जाओगे, कल तो जाओगे, डेली सर्विस क्यों? तो अभी हम लोग बागेश्वर मार्केट में है और इतनी तेज धूप लग रही है। यहाँ से देखते हैं भाई जो जो चीजें लेनी है, अभी दादी के लिए, अभी मम्मी जी के लिए, पापा जी के लिए, सभी के लिए शॉपिंग करना है भाई आज। तभी तो पहले हम लोग जाएंगे बागनाथ मंदिर, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत घर के लिए सारा सामान लेंगे, क्योंकि दुकान तो देखो इतना सारा है। हमने है शनिदेव महादेव जी का खूबसूरत सा कलश वाला मंदिर, तो हमेशा यहाँ पर पूजा पाठ होता है। मम्मी के लिए पहले फूल ले जाते हैं ना। तो दोस्तों ये रहा बागनाथ जी का खूबसूरत सा मंदिर, और ये भी पूरा पृष्ठ भाग है। तो ये रहा बागनाथ भगवान जी का खूबसूरत सा मंदिर, गेट है ये, गेट। और इस प्रकार से नज़ारे हैं, देख सकते हैं आप। एक यहाँ पर बंदर देखो ये क्या हुआ। गेट के जस्ट बगल में यहाँ पर भगवती माता जी का वाहन है, ये बाघ देख सकते हैं आप। आशीर्वाद ले लेते हैं माता जी के वाहन का। आगे तो हम लोग नहीं जा सकते ना, क्यों? सिचुएशन बताओ। भी सिचुएशन क्योंकि मुझे 5वां मंथ हो चुका है, तभी हम लोग यहीं पे हैं। क्यों? वरना हम लोग जो है अभी यहाँ पर जाते, आगे जाते, बट हम लोग आगे नहीं जाएंगे। तो जैसे कि आपको बताया दोस्तों, अभी मैडम जी के 5 मंथ चलने वाला है और चल भी रहा है, तो हम लोग मंदिर के आगे नहीं जाएंगे। गेट पे हम लोगों ने दर्शन करा, दूर से आपको दर्शन करा देंगे, क्योंकि देखो भाई इस चीज़ को हम लोग मानते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, खुद ही हम लोग इस रूल को तोड़ें तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो सामने है भाई बाणेश्वर नाथ जी का मंदिर। कुछ भी आप यहाँ पर पत्थरों से लिख देना, आपकी मनोकामना पूरी पूरी होती है। देखो भाई बाणेश्वर मंदिर के शीर्ष भाग में आप देख सकते हैं पूरा बाघ का चित्रण किया गया, और बाघ के हाथ में देखो हाथी का चित्र है भाई। तो इस प्रकार से पूरा है यहाँ पर, अगर आप पत्थरों से लिखते हो तो आपकी मनोकामना पूरी होती है, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते हैं यार, दूर से दर्शन कर रहे हैं। बागेश्वर आगे हमने ये नजारा नहीं देखा, तो क्या देखा बागेश्वर आगे में। यहाँ पर कितना मस्त वाला शिव जी भगवान जी है यहाँ पे, महादेव हमारे, और बादल भी इतने मस्त छा रखे हैं भाई, अभी पूरा नीला आसमान और बादल इतने प्यारे, तो ये नजारा तो गजब है यार। हर हर महादेव। महादेव जी का जो चित्रण है बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत साल पहले यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ साइड से आप देखेंगे तो सामने जो बड़ा मंदिर दिख रहा है, ये मेन मंदिर है बागनाथ जी का, और सामने छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आपका घाट है, बरसाती दिनों में जब तेज बारिश होती है तो इस घाट के अंदर ही लोग यहाँ पर चिताएं जलाते हैं, और साथ में आजकल तो लोग यहाँ पर चिताएं जलाते हैं, और हमेशा यहाँ पर चिता जली रहती है। इस पुल को देख सकते हैं, तब बड़ा है तो वहाँ पार चलेगा यहाँ तक। यहाँ पे बहुत सारे पुल बने हैं, 2-3 पुल, और ये पुल इसलिए बने हैं आर पार जाने के लिए। और यहाँ पे उत्तरायणी का मेला होता है, और पिछले बार मैं भी गई थी उत्तरायणी के मेले में, और इस बार मैं उत्तरायणी के मेले में आऊंगी। और भाई इतनी तेज धूप में जो नज़ारे ना बहुत ज्यादा प्यारे हैं, सामने हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ हैं, आसमान में बादल देखो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, और इस साइड के नज़ारे बहुत ज्यादा मस्त, थोड़े बहुत मकान और ऊपर सूखा सूखा पहाड़ है, और उसके ऊपर में है चंडिका माता जी का खूबसूरत सा मंदिर। और यहाँ पर तो हमारा जो भारत का झंडा है भाई कितना प्यारा लहरा रहा है। क्या हुआ? चिता वहाँ पर जलाते हैं? चिता? हाँ हाँ, चिता वहाँ जलाते हैं सामने यहाँ पर। यहाँ नहीं, बरसात के दिनों में पानी आता है यहाँ पर, जलाते हैं बरसात के दिनों में, बंद रखो। हाँ तो तुम्हारे वहाँ भी ऐसे ही? पता नहीं, मैं कभी घाट पे गई नहीं, जिस दिन जाने से हुई है। दोस्तों इतनी धूप हो रही है बागेश्वर में कि मेरे अभी नहाई थी 5 मिनट पहले, पूरे बाल सूख गए। तो वैसे भाई मंदिर में हम लोग जाते, बट सिचुएशन ऐसी थी, दूर से आपको दर्शन करा दिए हैं। बागेश्वर का पुराना नाम व्याघ्रेश्वर है, और यहाँ से देखो भाई इतना प्यारा ये मंदिर है भाई, और सामने देखो कितना मस्त ये मूर्ति है महादेव जी का। महादेव जी की मूर्ति के पीछे है माता पार्वती जी का मूर्ति, और उनके गोद में है गणेश भगवान जी। जब कभी आप लोग शुभ काम करते तो हमेशा गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना पहले करनी पड़ती है। और देखो भाई यहाँ पर दिख रहा है पूरा माता और बेटे का प्यार,
माँ और बच्चे का प्यार यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस प्रकार से माता पार्वती जी अपने बेटी जी को गोद में मतलब बिठा कर, देखो कितना मस्त यहाँ पर मतलब एक पूरा प्यार वाला दिख रहा है, एक परिवार का यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण देखने को मिल सकता है। साथ में देखो भाई चूहे भी यहाँ पर हैं जो गणेश भगवान जी के वाहन माने जाते हैं। अभी यहाँ पर मूषक राज जी ये भी बना रखा है। तो भाई नज़ारे कितने मस्त है, देखो पूरा इतना मस्त ड्राइंग कर रखा है। और जहाँ पर आपको ड्राइंग दिख रहा है कि आरती कर रही है, तो यहाँ पर हमेशा आरती होती है, यहाँ पर हमेशा गंगा आरती यहाँ पर शाम को होता है। और साथ ही नज़ारे इतने मस्त लग रहे हैं भाई बरसात के दिनों में। अभी तो पानी पूरा कम दिख रहा है बरसात के टाइम ना, मीना ये पानी का जो स्तर है ना, जहाँ हम है ना, हम लोग नहीं है, वहाँ तक पूरा आता है भाई। सेरू नदी के बीच में एक खूबसूरत सा पत्थर है, और उस पत्थर में हमेशा उतराने के टाइम में देखो भाई महादेव जी का चित्रण किया जाता है। लेकिन आजकल गर्मी का माहौल है, समय है, तो पूरा पानी इतना ज़्यादा कम हो चुका है, देख सकते हैं आप, पूरा पानी थोड़ा बहुत ही है, मतलब पैरों तक भी नहीं पहुँचेंगे। वरना देखो पूरा जो नदी का स्तर है, पूरा नदी का जो भाग है सूख चुका है इस प्रकार से। लेकिन गढ़वाल में अगर हम लोग हैं, मछली भी एक बताओ ना आप मैडम जी, नदी में मछली तो होगा, पक्षी तो नहीं होगा? पक्षी भी है। कौन सी पक्षी? वो देखो पत्थर पे कुत्ता भी है वहाँ पे देखो। अच्छा जी, मतलब नदी में कुत्ता रहता है? वो देख नहीं रहा वहाँ पे, इतना बड़ा कुत्ता है वहाँ पे, देख नहीं रहा मैं क्या। अच्छा अच्छा, तो भाई ये देखो कहने का मतलब इनका सही है, वहाँ पर डॉग है एक, तो पूरा सूखा पड़ गया भाई। तो भाई आज तो कम से कम 100 कमेंट तो ये कर दो कि भारत माता की जय करके, क्योंकि देखो भाई भारत का जो झंडा है कितना मस्त लहरा रहा है। भारत माता का झंडा तो ऐसा लहरा रहा है जैसे मेरे बाल लहरा रहे हैं, पर मेरे बालों से अच्छा ज्यादा कर भारत माता का झंडा लहरा रहा है। इसके लिए प्लीज एक लाइक, एक सल्यूट होना चाहिए दोस्तों। और क्या होना चाहिए कमेंट में? क्या होना चाहिए कमेंट में? जय हिंद होना चाहिए। तो अभी देखो नदी से जल भरा जा रहा है यहाँ पर आंटी जी के द्वारा, अभी मंदिर में पानी चढ़ाने के लिए। तो भाई अभी मैं पूरा जो फोन है ये फोन इसमें डालने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मछलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पूरा नदी मैडम जी को देख सकते हैं आप, ये मैडम जी अभी पूरे पानी में है। अभी ये नदी आपका सरयू नदी है, बागेश्वर में आती है ये। और साथ ही देखो यहाँ पर मस्त करके एक खूबसूरत सा चित्रण है महादेव जी का, और पूरा देखो भाई इतना ही कम पानी और का ये, और हम नदी में ही। अभी बरसाती दिनों में तो इतनी ज़्यादा नदी बहेगी, इतना ज़्यादा नदी का जो बहाव होगा बहुत ज़्यादा तेज होगा, तो अभी तो बहुत कम है भाई। दुकान है, इतना मस्त है भाई, पूरे आपको यहाँ पर हर एक चीज़ जो है पहाड़ी देखने को मिले। देखो डलिया जो है पहाड़ी है आपका, साथ में डलियाँ सारे पहाड़ियाँ हैं। ये देखो सल्टी जैसे कि गढ़वाल में होता है, ये सूपा देखो भाई, अभी एक कुदाल हो गया, और ये देखो ये सब, ये पूरा पहाड़ी दुकान है, ये देखो सारा चीज़ें। देखो ये देखो सल्टी हो गया भाई जी, कैसे हो बढ़िया? हाँ ये देखो धुपाणी भी है यहाँ पर, धुपाणी से हम लोग हमेशा अपने पहाड़ों में पूजा अर्चना करते हैं। क्यों? ये देखो सारा का सारा ढोल दमू आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखो भाई ये नली, भाई देख सकते हैं आप, ये नली जिससे हम लोग जो है इसमें मट्ठा बनाते हैं, और ये पूरा अपना पहाड़ी चीज़ है, जिसके बाद गाय होगा गांव, और नली समझ सकते हैं आप, ये पूरा देखो भाई इस प्रकार से चीज़ें हैं। ये देखो आपका हुड़का हो गया। तो अभी भाई हम लोग बहुत ज़्यादा पुराने पहाड़ी दुकान में आ चुके हैं, और यहाँ पर देखो हुक्का है, ये हुक्का जैसे कि हमारे पहाड़ों में गाँव घरों में ना बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो हुक्का बोलते हैं हम, तो हुक्का पीते हैं वो लोग, तो ये उसी का ऊपरी परत है, ऊपर परत इसमें पूरा आग डाला जाता है, आग के कोयला डाले जाते हैं आपका, ये नाई बोलते हैं हम लोग, इसमें पूरे जितने भी ये चावल होता है सब सब चीज़ें इसमें से तोला जाता है, मतलब नापा जाता है, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं ये। तो शॉपिंग करने के पहले हम मम्मी जी के लिए, क्योंकि मम्मी जी को जो है फूलों से बहुत ज़्यादा प्यार है भाई, तो यहाँ पर आप अनेक अनेक प्रकार के फूल देख सकते हैं। और अभी जो अपनी मैडम जी है वहाँ यहाँ पर फूल देख रही है मम्मी जी के लिए। मैम ये देखो सुनो, जो घर में नहीं होगा वाला ले जाना, ठीक है? वैसे तो सब होंगे हमारे पास। ये चंपा है? चंपा। अरे वाह, चमेली नहीं है? चमेली। हाँ भाई फूलों के नाम इतने प्यारे प्यारे, चंपा चमेली, इतना प्यारा नाम तो मेरा भी नहीं है। तो अभी मम्मी जी के लिए सारा फूल ले जाते हैं, जो जो भी पसंद आए। तीन छाट दे इसने जी के लिए। पहली शॉपिंग हो चुकी है फूल, क्योंकि मम्मी जी को फूलों से बहुत ज्यादा प्यार है। तो भाई अभी थोड़े बहुत सब्जियां के बीज भी ले लेते हैं, क्योंकि लगाने भी चाहिए,
अगर खेत है तो खेत को खाली नहीं छोड़ना, बंजर नहीं करना, बल्कि लगाना है, क्यों अंकल जी? और अंकल जी लोग भाई साहब दिन भर यहाँ इतने तेज धूप में मतलब बेच रहे हैं अभी सब्जियों के मतलब बीज, और यहाँ पर सब्जियाँ बैग आजकल के सीजन में जो है यहाँ पर शिमला मिर्च हो गया आपके, बैगन हो गए हैं, हरी मिर्च, सब चीज़ें होती हैं ना अंकल आजकल, तो दिन भर लगे कितना हो गया अंकल? ठीक हो गया। तो ये देखो इतने सारे ये हैं, ये चीज़ें ले सकते हैं आप लोग, ये तो हमने लगा रखी है, इतने सारे बीज हैं ये। तो अभी हम लोग भैया जी के कॉस्मेटिक के दुकान में आ चुके हैं, और यहाँ पर हम किसके लिए ले रहे हैं? रिया के लिए। रिया जो कि हमारे जो बड़ी दादी जी है, मेरी दादी जी की बड़ी बहन है, उनके जो नाती जी है उनकी मतलब उनकी बेटी है ना, हाँ, तो उनके लिए ले रहे हैं, 3 साल की है, तो देख लेते हैं और थोड़ा बहुत ले लेते हैं यार उसके लिए भी, अब इतने दूर से जा रहे हैं। और भैया जी हैं यहाँ पे, भैया जी कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी। और देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए रंग बिरंगे चूड़ियाँ हैं, तो छोटी है भी वो, 3 साल की है, तो ले लेते हैं अपनी तरफ से, ये बढ़िया लग रहा है। हाँ ये मस्त लग रहा है। अब देखिए जी ससुराल से हम लोग जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग करना बनता है, मम्मी जी के लिए फूल लेके गए क्योंकि मम्मी जी को फूलों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लगाव है। और अभी रिया के लिए हम लोग ले जा रहे हैं छोटी सी चूड़ी, क्योंकि देखो अभी अपने एक बेटे के समान है, छोटी बच्ची है। ये वाली चूड़ी हम लोगों ने पसंद कर दी है, ये कितने का है? मेटल का है मतलब, चलो मेटल का तो देख लेते हैं, अभी ले लेते हैं। ये कितने का अंकल भैया? ये है यार राहुल भाई 55 रुपये का। दे दो दे दो दे। और धन्यवाद भाई जी, हमारे सब्सक्राइबर भी है, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मम्मी जी को पहचान लिया था? मम्मी को पहचान लिया था आपकी मम्मी और मेरा, तो अच्छा सामान लेने के लिए। ठीक है भाई जी, हाँ तो शॉपिंग कर ली यहाँ से आप लोग भाई, कॉस्मेटिक की सारी चीज ले सकते हैं महिलाओं के लिए, A1 A2Z सब सामान, शादी बारातों का ना। ये देखो इस प्रकार के चूड़ियाँ हो गए, आपके छोटे छोटे बच्चों के डायपर हो गए, आपके सारा चीज यहाँ पर से आप लोग ले सकते हैं। ये दुकान आपका कौन से दुकान का नाम क्या है? शिव श्रृंगार सत्कम। अरे नाम का नाम भी देखो भाई, शिव श्रृंगार, तो देखो शिव श्रृंगार सत्कम, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई जी, हाँ धन्यवाद। धीरे धीरे शॉपिंग होते रह रहा है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम भी हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा छाया पड़ गया तो सही लग रहा है, तो अभी हम लोग चलते हैं। और अंकल जी के वहाँ से मैंने बनाया था शादी का सूट, अंकल कैसे हो? बढ़िया, कोट पैंट बनाया था, पहचान लिया? पहचान लिया, हाँ कोट पैंट मैंने यहीं से बनाया था। ठीक है अंकल, मिलते हैं फिर। हाँ तो अभी आगे की तरफ चलते हैं, और मैडम जी का जो लहंगा हमने लिया था ना आगे के, चलो इनका जो हमने, और भाई यहाँ पर आपका ये है झांझर, इनके बिना मेले में मतलब रंगत ही नहीं आता, कह रहा हूँ मज़े आते हैं बजाने में। और सर भाई बहुत ही ज़्यादा मैं कपड़े पापा जी का यूज़ करते रहता था, तो आज पापा के लिए फाइनली ले जाता है ट्रैक सूट, और घर जाके पापा का रिएक्शन देखते हैं, पापा बोलेंगे कि हाँ मेरा तो लगाते रहता था कहेंगे। अभी पापा जी के लिए एक ट्रैक सूट ले रखा है, तो कीमत आपको हम लोग घर जाके बताएंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कितने का होगा ये। ठीक है तो अभी दादी जी के लिए लिया जा रहा है यहाँ पर रसगुल्ला आधा किलो, यहाँ से अभी जो हमारे गोपेश्वर के अंकल है ना उनके द्वारा ये दिया गया था, एक रसगुल्ले का डब्बा व्हाइट वाला ये ले जाना, क्योंकि ब्लैक वाला तो अम्मा बिल्कुल भी नहीं खाते, पिछली बार ब्लैक वाला लेके गया था गुलाब जामुन था, बिल्कुल मेरे को इतनी डांट पड़ी, इस बार रसगुल्ला देख रेख के व्हाइट वाला ले जाना है। रसगुल्ले का डब्बा ले लिया है, ये मेरे सासू माँ के तरफ से है, उन्होंने बोला था ना कि दादी के लिए रसगुल्ला लेके जाना। और एक रसगुल्ला डब्बा ये है जो हमारे गोपेश्वर में एक अंकल जी मिले थे जो हमारे मामा जी बन गए थे, बहुत ही अच्छे थे, इतना ज़्यादा अच्छे थे मतलब, जहाँ से मुलाकात हुई उनके द्वारा ये था मिठाई। अभी दादी जी के लिए भी शॉपिंग हो चुका है, 2 किलो रसगुल्ले के डब्बे आ चुके हैं दादी जी के लिए, तो अभी अब मम्मी जी के लिए एक स्वेटर ले जाते हैं घर के लिए ना, तो मुझे तो पता नहीं किस प्रकार का स्वेटर ले जाना है, अभी जो हमारी मैडम जी है वही तय करेंगे कि किस प्रकार से मम्मी जी के लिए ले जाना है स्वेटर। तो यहाँ पर पूरे देखो भाई हर एक प्रकार की चीज़ें मिल गई हैं, मम्मी जी के लिए भी यहाँ पर स्वेटर ले लिया गया है, यहाँ पर मस्त स्वेटर है, घर जाके आप देखेंगे कल। और ये भाई तेज़ धूप लगी हुई है, तो थोड़ा बहुत जूस पी लेते हैं गन्ने का, थोड़े बहुत जो है शरीर में ठंडक आ जाएगी, तो थोड़ा बहुत जूस पी लेते हैं फिर चलते हैं आगे शॉपिंग करने के लिए। और हम लोग बागेश्वर में ही हैं होटल में, कल हम लोग जाएंगे मॉर्निंग में अपने गांव नामी ग्लेशियर की तरफ, तो कल से घर के ब्लॉग आएंगे दोस्तों। तो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ, और साथ ही चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो कल मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय।